नाश्ते की दुकान कैसे शुरू करें। कम पढ़े लिखे लोगों के सामने अक्सर एक सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि वो पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से नौकरी नहीं कर पाते और उन्हें पैसे कमाने का कोई साधन भी नहीं मिल पाता। ऐसे में वो ये सोचते हैं कि उन्हें कोई ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहिए जिसकी मांग ज्यादा हो और जिससे वो अच्छे पैसे कमा सके। उनके लिए हम ऐसे ही बिजनेस की जानकारी लेकर आए हैं जिसमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा निवेश की। तो आज हम आपको इस बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जगह का चुनाव। नाश्ते की दुकान को शुरू करने से पहले आपको सोच समझकर एक ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जहां आपके ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़ सके। आप चाहें तो किसी चौराहे, स्कूल, कॉलेज, गार्डन या फिर किसी हॉस्पिटल के पास इस दुकान को खोल सकते हैं। मेन्यू कार्ड का चुनाव। आपको ब्रेकफास्ट शॉप खोलने के लिए पहले एक मेन्यू कार्ड तैयार करना होगा। कोई भी ग्राहक जब आपकी दुकान पर आता है तो सबसे पहले वो मेन्यू कार्ड ही चेक करता है, इसलिए आप मेन्यू कार्ड में ऐसी चीजों को ऐड करें जो दूसरी दुकानों पर ना मिलती हो। कोशिश करें कि लोगों को आपकी शॉप में नाश्ते से जुड़ी हर डिश आसानी से मिल जाए। आप शॉप में कुलचा, आलू पराठा, दही बड़ा, पोहा, लस्सी, बड़ा, डोसा, सांभर, उपमा, समोसा, कचौरी, ढोकला आदि चीजें शामिल कर सकते हैं। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। नाश्ते की दुकान एक खाने से संबंधित बिजनेस है, ऐसे में आपको इसके लिए फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI से लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा आपको अपने नगर निकाय से हेल्थ और सेफ्टी सर्टिफिकेट भी जरूर लेना होगा, नहीं तो आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको GST नंबर भी लेना होगा, इसे आप CA की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। लागत कितनी लगेगी। नाश्ते की दुकान को आप लगभग 10,000 रुपए में आसानी से शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा। इस बिजनेस को करके आप प्रतिदिन के लगभग 8,000 से 10,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं, यानी कि इस बिजनेस से आपको महीने के लाखों रुपए प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए ये बिजनेस भले ही छोटा हो लेकिन इससे फायदा ज्यादा होता है। मार्केटिंग कैसे करें। किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग सबसे अहम होती है। आपके द्वारा बनाया गया खाना कितना भी अच्छा हो, अगर आप इसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो ये अच्छे से नहीं चल सकता। अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसी साइट का सहारा ले सकते हैं। इन साइट्स पर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजों को शेयर कर सकते हैं और इन्हें समय समय पर अपडेट कर सकते हैं ताकि आपसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। इसके अलावा पैम्फलेट छपवा कर भी आप अपने आसपास की जगह पर बंटवा सकते हैं। इस बिजनेस में किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती, इसलिए इस तरह का बिजनेस कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।